ये जो आज बजट हमने डिक्लेयर किया है, इसमें एक बात हुई थी इस साल, जहाँ कि यहाँ पे लोक प्रतिनिधि नहीं है, तो लोगों की राय क्या है, लोगों की अपेक्षा क्या है, इसलिए हमने लोगों से सजेशन मांगे थे कि आप अर्थसंकल्प में से क्या चाहते हो। तो मुझे खुशी है इसको नवी मुंबई कर जो नागरिक है उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रतिसाद दिया, हमारे पास काफ़ी सजेशन आए जिनको हमने इसमें इंक्लूड किया है। इस बार का जो अधिवेशन है उसमें जो एनवायरनमेंट से पोल्यूशन से रिलेटेड इशू है उसको हमने मैकेनिकली मिटिगेशन कैसे किया जाए, इसके लिए काफ़ी इसमें हमने फाइनेंशियल ये किया है, अरेंजमेंट किया है। और उसके व्यतिरिक्त जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर प्रोजेक्ट है, जैसे घनसोली ऐरोली ब्रिज है, ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट है उन पे भी फोकस किया है। तो मुझे लगता है और सबसे दिलासा देने वाली बात यह है लोगों के लिए कि इसमें कोई भी टैक्स हमने बढ़ाए नहीं है। तो मुझे लगता है कि नवीन कर नागरिकों को मद्देनजर रखते हुए इस साल का बजट बनाया है। नॉर्मली थोड़ा बहुत टैक्स हर साल बढ़ाना ये एक रूटीन चीज़ होती है, लेकिन नवी मुंबई महापालिका की परंपरा है, काफ़ी साल से यहाँ पे टैक्स बढ़ा नहीं है। और अभी जो हमारा इनकम है महापालिका को, जो लोगों से प्राप्त होने वाला इनकम है, जो हमारे पास फंड्स आते हैं, उसमें यहाँ का जो विकास है वो हम कर सकते हैं। अगर आप बाकी कॉरपोरेशन की बात की तो वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो कॉरपोरेशन को खड़ा करना पड़ता है। यहाँ पे जब ये नोड्स डेवलप हुए तो सिडको ने काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके हमको हैंड ओवर किया है। तो बाकी कॉरपोरेशन से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तो होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि फिलहाल एज ए एडमिनिस्ट्रेटर की जब बॉडी होती है, जहाँ लोक प्रतिनिधि होती है, तो उन चर्चा होके बॉडी में ठहराव होके इस प्रकार की बढ़ोतरी होना ये उचित रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। हमने मैंने बताया कि बहुत वस्तुनिष्ठ इस प्रकार का बजट बनाया है, पिछले 3 साल में जो हर डिपार्टमेंट ने खर्च किया है और उनकी क्षमता क्या है, ये सब मद्देनजर रखते हुए हमने ये बजट बनाया है। इस साल का हमारा बजट 4,950 करोड़ का है और उसमें काफ़ी सारे सोशल सेक्टर के और इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क उसमें मेंशन किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले आर्थिक वर्ष 2024-25 में हम वो 100% अचीव करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल।